इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। और खबर, और ये ज़्यादातर मैंने कुछ इंडियन मीडिया पर देखी है, कुछ सोशल मीडिया पर देखी है इसकी, क्योंकि अभी मुझे चांस मिला तो आपसे तस्दीक करना चाहूँ। क्या ये सच है कि हम भारत से भी कुछ वैक्सीन्स मंगवा रहे हैं, बिलखसूस एस्ट्राजेनेका, मेरा ख्याल है कि उनकी वहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर भी हो रही है, वो इंडिया से अप्रूवल, अच्छा उसमें एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है उनका, लेकिन सबसे बड़ा जो है और इस खित्ते के लिए जो डेजिग्नेटेड है एशिया और अफ्रीका की सप्लाई के लिए, वो है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग इस खित्ते के लिए इंडिया में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। वो हमारी, उन्होंने जब इंडिकेट किया कि हमारी सप्लाई सोर्स जो है वो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होगी, उन्होंने अप्रूवल्स नहीं दी हुई थी एशियन कंट्रीज के लिए, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज के लिए दी थी। आज वहां से आ गया है जी कि क्लियरेंस हो गई है। 17 मार्च को मीटिंग है जिसके अंदर वो इंडिकेट करेंगे, एंड हमारा अभी भी कॉन्फिडेंस है कि विद इन द मंथ ऑफ मार्च वहां से आनी शुरू हो जाएगी। जो पहली बैच आएगा वो 42 लाख वैक्सीन का बैच आएगा, कि दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में से वैक्सीन के भारत एक है। और ये आप समझ लें कि साउथ एशिया के अंदर जो इंडियन रिलेशनशिप्स हैं तो वो उस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की अक्कासी करता है, और इसमें से बहुत सारी तादाद जो है वो दी गई, बट जिसको मैं बहुत सारी कह रहा हूँ वो उनकी आबादियों का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो सस्टेन्ड ओवर नेक्स्ट मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ के अंदर जो आप देखेंगे तो वो सूरत हाल जाहिर है इस पर नहीं डिपेंडेंट होगी। सो बट उनको हेड स्टार्ट डेफिनेटली रीजन के अंदर हमसे मिला, बट दैट स्टिल बिल्कुल एक फ्रैक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन है जिसको वो मिला है। अच्छा, तो इंडिया ऑफ कोर्स इज अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज वो तो दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में से हैं, तो उनके पास जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है वो तो दुनिया में जो बेहतर वैक्सीन अवेलेबिलिटी है किसी भी मुल्क के अंदर, उनमें से भारत भी। तरह वैक्सीन बनाया हिंदुस्तान ने एक बाहर की कंपनी के साथ, लेकिन वो सारी प्रोडक्शन उसकी हिंदुस्तान में हो रही है और वो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में दुनिया के मोस्टली ममालिक में वो वैक्सीन जा रही है। पाकिस्तान भी उससे, हालांकि मैं बिल्कुल राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कह रहा हूं कि यार हम क्यों नहीं लेते, लेकिन फाइनली डिसीजन लिया गया कि यार हमने लेना है और जरूरी है कि हम ले, क्योंकि मसला वैसे हल नहीं होगा। वैक्सीन हिंदुस्तान दे रहा है, कल भी मैं और आप एक ही चैनल पर बैठे हुए इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, क्यों हम इस चीज को खामखा का कंट्रोवर्शियल बना रहे। एक चीज है, बहुत अच्छा स्टेप है, मैं कहता हूं वी शुड थैंकफुल टू हिंदुस्तान, उसकी हुकूमत, उसके लोग, या जिसने ये वैक्सीन, जिन साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया हिंदुस्तान के या दुनिया के और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया, तो मतलब वी ऑल शुड थैंकफुल टू देम सब, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी खिदमत की है। क्यों हम इसको खामखा का कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, और पाकिस्तान कह रहे नहीं हमने पैसे दिए, तो वो कह रहे नहीं हमने फ्री दिया, जो भी दिया लेकिन एक अच्छा काम हुआ। इंडिया बोलता है, उसका कैरेक्टर है कि यस हम बना रहे हैं, हमको लोगों को देनी चाहिए जिनका हक है, क्योंकि ये वही वाली बात है, खाने के ऊपर सिर्फ अमीर का हक नहीं है, खाने के ऊपर गरीब का भी उतना ही हक है। इसी तरह अगर कोई मेडिसिन नई आई है उस पर सबका हक है, भगवान करे ये 4.5 करोड़ नहीं 40 करोड़ हो आपको लोगों को देने के लिए, भगवान करे ये मेरे यहां भी 130 करोड़ लोगों को मिले। जितनी है उसका जो पार्ट जहां जा सकता है वो अच्छी बात है। हम दोनों अगर कंडीशंस लगानी शुरू कर देंगे चीजों पर कि मैंने खरीदी और मैंने आपको फ्री में दी, ये कंडीशन हो गई, इट्स नॉट अ फेयर वन। आपके हमारे बीच में 10-10 बार ये डिबेट हो गई या डिस्कशन हो गए कि पाकिस्तान ने ऑफर किया पीस टॉक लेकिन इंडिया नहीं कर रहा है। तो अब लेट अस से अब हम ये बोल दें कि डीजीएमओ ने, दोनों ने डिसाइड किया कि आप हमारे पर बमबारी नहीं करेंगे, हम आप पर नहीं करेंगे, लेकिन ये जहां लेकिन आता है ना, आपने वो सारा किया धरा पानी कर दिया, खत्म। हमने अगर 2 सेकंड को ये मान भी लूं जो हमारे यहां बोला जा रहा है, हमने दी नहीं, हमने शेयर करी है बाय द वे, लेकिन फिर भी लोगों का अपना सोच है, हमने दी तो क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ। आपने ये जो सो कॉल्ड वर्ल्ड फ्री है,
आपने फ्री में, मतलब ये शर्मनाक नहीं है कि इंडिया से आप वैक्सीन ले रहे हैं और क्यों? देखिए मैं कोई सियासी बयान तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे कोई ऐसा इस तरह से नजर नहीं आया कि कहीं पे फंडिंग गई हो, किसी इदारे में फंडिंग गई हो टू डेवलप वैक्सीन, शायद मेरी नजर से ना गुजरो। लेकिन जब तक आप एक कोई इदारा नहीं बनाते, कहीं पे फंडिंग नहीं देते फॉर दिस पर्पज, तो ये इसके रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? साइंटिस्ट को तो पहले दिन से ही इस पॉलिसी मेकिंग के अंदर मेरा ख्याल को बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया गया हो। अब ये जो वैक्सीन इस वक्त हम इंडिया से लेने की जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली बेसिकली बनाई ऑक्सफोर्ड ने है, लेकिन इंडिया वाले इसको मास प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये काम पाकिस्तान भी कर सकता था, और इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि क्यों नहीं किया गया। मेरे दायरे में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एक चाइनीज बेस्ड जो है इस वक्त उसका ट्रायल चल रहा है, ZF-2001, वो भी प्रोटीन बेस्ड जो है वैक्सीन है। मैं आई हैव मेनी रिजर्वेशंस अबाउट आरएनए बेस्ड वैक्सीन, और वो उसकी साइंटिफिक बहस में मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रोटीन बेस्ड जो वैक्सीन हैं, इंक्लूडिंग द वन विच इज अंडर ट्रायल इन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, I think those would be a better long-term options rather than RNA-based vaccines. क्योंकि उनकी कुछ ऐसी मेरी नजर में साइंटिफिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आगे जाके हम फेस कर सकते हैं जो कि अभी इस तरह से अयान नहीं है। नहीं है, मैं आता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर सामा ये फरमाइएगा कि आप कैसे देखते हैं ये वैक्सीनेशन के अमल को, क्योंकि बात तो गाइज़ ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन आ रहा है, भारत ने जो कोविड वैक्सीन उनको दी है, आपको बता दें भारत ने उनको कोविड वैक्सीन डायरेक्टली नहीं दी है, भारत ने ये कोविड वैक्सीन दी है गावी के थ्रू दी है। यानी पाकिस्तान को ये वैक्सीन मिल रही है, जो गरीब देश होते हैं उन देशों को वैक्सीन मिलती है, उन्हीं देशों के अंतर्गत पाकिस्तान आया और ये पाकिस्तान को वैक्सीन मिल रही है। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान भारत से अगर रिक्वेस्ट करता तो डेफिनेटली भारत पाकिस्तान को वैक्सीन देता, क्योंकि आपको पता है भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके से भारत से कांटेक्ट किए। जब भारत में वैक्सीन बन रही थी तो भारत ने सभी देशों को स्टार्टिंग में गिफ्ट में वैक्सीन पहुंचाई, और उसके बाद जो देश वैक्सीन भारत से खरीदना चाहता था उन्हें वैक्सीन दी गई। तो दोस्तों हालात ये थे कि पाकिस्तान में बैठा है एक हैंडसम प्राइम मिनिस्टर जिसका एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि वो अपनी एटीट्यूड के चक्कर में अगर उसको गुस्सा आ जाए तो वो बीवी से चाय ना ले, तो वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है। तो भारत से उसे वैक्सीन तो लेना ही नहीं था, आपको भी पता है उसका एटीट्यूड इतना ज्यादा है। और आपको बता दें कई पाकिस्तानी पागल लोग इतना जहर उगल रहे हैं भारत की वैक्सीन के बारे में, ये वो गौमूत्र जमाने भर की चीज़ें कि अब मैं क्या बोलूं। ये कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारत की वैक्सीन है ही नहीं, हालांकि ये सच बात है, ये एक्चुअली में है तो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, भारत इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन भारत की भी खुद की वैक्सीन आपको पता है स्वदेशी वैक्सीन भारत की भी है जो डेवलप हो चुकी है, और उनका रिजल्ट जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उससे ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और भारत के लिए आज एक और खुशखबरी है, क्योंकि भारत को आज मिली है जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग करने की परमिशन। यानी अब भारत में एक और नई वैक्सीन, मतलब भारत में ही मैन्युफैक्चर होगी, मतलब उसमें जो है तो वो अमेरिका की वैक्सीन, लेकिन भारत में वो वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन पाकिस्तानियों को सुनकर? कुछ पाकिस्तानी तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं भारत के इस काम को, क्योंकि भारत ने काम तो किया है बहुत ज़बरदस्त दुनिया की सेवा के लिए। भारत ने 70 से ज़्यादा देशों तक ये वैक्सीन पहुंचा दी है, जो कि मतलब काबिले तारीफ है, किसी भी देश में इतनी कुवत नहीं है। भारत ने 250 रुपए में वैक्सीन प्रोड्यूस करके इतने सारे देशों में पहुंचा दी है, आप समझ सकते हो। और भारत में आपको बता दें कि भारत में जितना जल्दी अगर आपको मौका मिले तुरंत वैक्सीन लगाएं, क्योंकि भारत के दो स्टेट ऐसे हैं जो कोरोना में काफ़ी डरा रहे हैं अभी भी, महाराष्ट्र और केरला में कोविड केसेस भारत के लगभग 80% कोविड केसेस यहीं से हैं, और यहाँ पर कोविड केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब कोरोना कहीं गया नहीं है। आप सोचें कि ये कोरोना खत्म हो गया ये और वो, तो ये बिल्कुल गलत सोचना है आपका। तो दोस्तों ख्याल रखें अपना, प्लीज़ मास्क पहने, अगर आप महाराष्ट्र या केरला से तो प्लीज़ मास्क पहने, और इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।